नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम इस दुनिया से चले जाने के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बिल्कुल करीब और इस दुनियावी जिंदगी के आखिरी दिन थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गशी खाकर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कह रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गशी खाकर अपने बिस्तर पर गिर रहे हैं। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आता है तो कभी माई हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ रहे हैं कि बताओ तो सही कि मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं। और कभी परेशान होकर फिक्रमंद होकर घर का पर्दा उठाकर देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी की कैफियत क्या है। ऐन उस वक्त पर जबकि नमाज का टाइम करीब था, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ पूछना चाहते हैं, फिर गशी खाकर आप बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही होश आता है तो फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं कि बताओ तो सही कि मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम नमाज के लिए जमा हो रहे हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी होती है। फिर पूछते हैं कि ए, फिर जब होश आता है तो फिर पूछते हैं कि मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं। कहा कि सहाबा इकराम सफ बंदी कर रहे हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा हिम्मत जुटाते हैं, फिर कहते हैं कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ रहा है। इस हालत को देखकर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती है, आप ही बताइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सफों को आपकी इमामत के बगैर पढ़ने की आदत नहीं है, आपके इमामत में ही पढ़ेंगे, जाहिर बात है। कहा कि नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इमामत के लिए आगे बढ़ाया जाए। फिर गशी खाते हैं, फिर पूछते हैं जब होश आता है कि बताओ तो सही कि क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे अब्बा इतने नरम दिल हैं, अन्हा इस डिसीशन को आगे नहीं बढ़ाती हैं। जब होश में आते हैं तो फिर पूछते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चलता है कि उनको नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। उनको शुरू में समझ में नहीं आया, वो इंतजार करना चाहते थे ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ भी अगर हिम्मत हो जाए, कुछ भी अगर ताकत दरी भी अगर बाकी रह जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को आएंगे, वो इमामत कराएंगे और हम नमाज पढ़ेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला हुक्म के मुताबिक इमामत कराने के लिए तैयार हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी अभी हिम्मत आई। कुछ सहाबा इकराम को बुलाते हैं इशारा करके कि आओ और मुझे इसी हालत में उठाकर लेकर जाओ। तो मजबूत किस्म के सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हाथों के नीचे से थमाते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ तक पहुंचा देते। इस हदीस शरीफ से, इस ऑथेंटिक वाक्य से मैं इंस्पायर होते हुए मैंने आज का टॉपिक लिया है कि मोमिन के लिए नमाज मोमिन के लिए सांस से भी ज्यादा अहम। इस टॉपिक पर मैं इंशाल्लाह आपके सामने खुतबा पेश करूं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक्सट्रीम में कोई वर्ड कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कुरान मजीद के दलायल आपके सामने रख दूं। नमाज मोमिन के लिए सांस, जो आप सांस लेते हैं, उससे भी ज्यादा अहम है। मोमिन एक होता है, दूसरा होता है मुस्लिम। अगर एक आदमी कभी नमाज पढ़ता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता है, जब दिल में आया नमाज पढ़ता है, जब दिल में नमाज छोड़ देता है, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान हो सकता। दलील सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 143 में अल्लाह सुबहान व तआला कह रहे, वमा कान अल्लाह लियुदिया ईमानकुम। अल्लाह सुबहान व तआला क्या पढ़ी है कि तुम्हारे ईमान को अल्लाह सुबहान व तआला वेस्ट कर दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब बांध रहे हैं यहां पर ईमान से मुराद नमाज है। इससे पहले सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे किबला बनाकर बैतुल मक़दिस को। जब बैतुल मक़दिस से किबला चेंज होकर काबे की तरफ किबला बनाया गया तो बाद सहाबा इकराम के जहन में सवाल आया, इससे पहले की नमाजों का क्या हुआ जो हम 16 महीने तक किबले की तरफ रुख कर रहे थे बैतुल मक़दिस की तरफ, और अब
क़िबला चेंज हो चुका है, तो अल्लाह सुबहानहु ताला कह रहे, अल्लाह सुबहानहु ताला क्या पढ़ी है कि तुम्हारे गुजरी हुई नमाजों को अल्लाह ताला वेस्ट कर दे। यहां पर ईमान से मुराद नमाज है। मतलब क्या है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कहना चाह रहे हैं कि बाद लोग ये समझते हैं मैं मेरा अकीदा तो सही है। अक्सर आपने देखा होगा हम तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान रसूल में से हैं, हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वालों में से, और बाज दूसरी तरफ ये सीधे के पक्के हम तो कुरान और हदीस को फॉलो करने वाले, नमाज की हमें क्या जरूरत है। अल्लाह ताला कह रहे वमा कानल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, नमाज को अल्लाह सुभानहु ताला कह रहे इसका ईमान से बड़ा गहरा ताल्लुक। यानी एक आदमी अगर नमाज को वेस्ट कर रहा है दरअसल वो अपने ईमान को वेस्ट कर रहा है, अल्लाह हिफाजत। तो नमाज मोमिन के लिए सांस से भी अहम। मिसाल के तौर पर अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आपकी नजर में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है, तो एक आदमी कहेगा भाई मेरे हिसाब से सबसे अहम चीज खाना है। फिर बाद में उससे कहा जाएगा भाई खाने के बगैर तो आप थोड़ी देर जी ले सकते हैं, थोड़े दिन तक आप सबर कर सकते हैं। फिर वो आदमी कहेगा नहीं नहीं खाने से भी ज्यादा अहम मेरे लिए है पानी, क्योंकि पानी के बगैर ज्यादा देर रहना और भी मुश्किल है। उसको फिर अगर समझा जाए भाई और भी नेमतें जरा गौर करो, तो आदमी कहेगा नहीं नहीं पानी से भी ज्यादा अहम तो मेरे लिए सांस है, पानी के बगैर तो मैं थोड़ी देर रह सकता हूं, सांस के बगैर तो मैं रह नहीं सकता। लेकिन मोमिन के लिए नमाज सांस से भी अहम है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी सांस बंद होती है तो इंसान का जिस्म मर जाता है, लेकिन अगर इंसान के जिंदगी से नमाज निकल जाती है तो उसकी रूह मर जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरिहना या बिलाल, ए बिलाल हमें राहत पहुंचाओ अपनी प्यारी अदा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तो क्या अदा का तक भी एहतमाम कर रहे हैं, ए बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अदा के जरिए से हमें राहत पहुंचाओ। वह जो इलत, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, नमाज मेरे लिए आंखों की ठंडक बनाई गई। मोमिन के लिए नमाज ठंडक है। और सलाह अरबी वर्ड जो नमाज के लिए आया है, हमको चाहिए कि बेहतर है कि हम सलाह वर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि नमाज ये तो मैं समझाने के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना सलाह का सही ट्रांसलेशन नमाज हो ही नहीं सकता। सलाह के आठ माने अरबी जुबान में, और ये आठ माने नमाज से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, इस वजह से इसका सही ट्रांसलेशन नमाज हो ही नहीं सकता। सलाह के आठ माने क्या है, पहला माना है सलाह का दुआ। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने सलाह को दुआ के लिए इस्तेमाल किया। बंदा जाहिर बात है नमाज में दुआ ही मांगता है, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। सलाह का माना है इबादत, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह हज में कहा सलावातुन। यहूदियों की जो उस जमाने में इबादत करते थे तो उनके मस्जिदों को कुरान मजीद में सलावातुन कहा गया। और ये इब्रानी में भी और सिरियानी में भी वर्ड नमाज के लिए सलाह के लिए सलोटुन, अगर आप इब्रानी वर्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी सलोट सलोट कहते हैं, सलोट उसी से निकला सलावात। इब्रानी वर्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी सलोट सलोट कहते हैं, सलोट उसी से निकला सलावात, अरबी में आ गया सलावात। तो सलातुन माने इबादत। तीसरा माना है सलातुन का तारीफ, सूरह अहजाब सूरह नंबर 33 के आयत नंबर 56 में अल्लाह सुबहान तला ने सलाह को तीन अलग अलग मानों में इस्तेमाल किया। सलाह का माना तारीफ, सलाह का माना मर्तबा फजीलत बढ़ाने के लिए, और सलाह का माना दरूद इब्राहिम के लिए, तीन मानों के लिए आए। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, अल्लाह ताला भी सलात भेज रहे हैं, फरिश्ते भी सलात भेज रहे हैं, ए मोमिनो तुम भी सलात भेजो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा क्या तीनों की सलाह एक ही है क्या, क्या अल्लाह भी दरूद भेजता है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला दरूद नहीं भेजते, सलातुल्लाहि व सनाउहु। अल्लाह की सलात का मतलब यह है कि अल्लाह सुबहानहु तआला फरिश्तों के दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे हैं। सलाह का माना तारीफ, फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ऊंचे से ऊंचा मकाम है उसके लिए दुआएं कर रहे हैं दुआ के माने में। और बंदों की सलात से मुराद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। और कैफियत सलात नबी में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को ऑथेंटिक का बेहकीक रिवायत। सलाह का एक माना होता है सेकंड नंबर, अरबी में अरबी जबान में मुहावरा है तलकस सवाबिक मिन्ना वल मुसल्लीना, जब भी तुम हमारे घोड़ों को भगाओगे पहला नंबर भी हमारा रहेगा सेकंड नंबर भी हमारा रहेगा। यहां पर सलाह को सेकंड के लिए,
कलमे के बाद सेकंड नंबर क्या आता है इस्लाम में पांच अरकान में, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, सेकंड नमाज, इस एतबार से इसका जिक्र है। सला का माना आता है पीछे की जो दो रगे हैं पीठ से जाकर पैर को मिल रही, दो बड़ी बड़ी रगे मिल रही, अरबी जबान में उसको सिलोवैन कहते हैं, स्वाद लाम वो या नून। जब आदमी रुकू में जाता है तो वो रगे मुड़ जाती है, सिलोवैन। अरबी में सला का माना आता है आग में तपाना, सयसला नारन दाता लहब, सूरह लहब के अंदर कि अबू लहब को आग पर तपाया जाएगा, आग में दाखिल किया जाएगा। क्योंकि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो ईमान की हरारत से उसके गुना धुल जाते हैं, छोटे गुना सारे के सारे धुल जाते हैं, और इसी तरह उसके ईमान की हरारत की वजह से उसके लिए नेकियां करना आसान हो जाता है। सला के सारे माने इसमें आ गए। सला अगर आप मुख्तसर लफ्जों में कहे, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो फिरौन ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी, कारून ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी, हामान ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी, उबै बिन खलफ ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी, ये लोगों ने नमाजें नहीं पढ़ी थी। और एक आदमी नमाज अगर एक आदमी नमाज पढ़ता है, एक मुसलमान नमाज पढ़ता है कलमे की हालत में, तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी थी, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 36 37 और 38, फनादतहु अलमलाइकतु वहुवा क़ाइमुन युसल्ली, और फरिश्तों ने आवाज लगाई जबकि वो नमाज की हालत में थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी ना सिर्फ नमाज पढ़ते थे बल्कि अपने घर वालों को हुक्म देते थे, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 55, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के में और काबा बनाने का मकसद बताया, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 के आयत नंबर 33 34 35 और 36, रब्बना मुकीमस्सलाति वलियुकीमुस्सला, ऐ अल्लाह मैं ये शहर आबाद कर रहा हूं ताकि लोग नमाज को कायम करें, शहर आबाद करने का मकसद नमाज को कायम करना। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हम मोमिनों को खिलाफत देंगे इस शर्त पे कि वो लोग फ्यूचर में नमाज को कायम करेंगे। अगर आज हम नमाज कायम नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला क्या हमको हुकूमत देंगे? हरगिज नहीं देंगे। अकीदा सही कायम करना, नमाज सही कायम करने वालों को अल्लाह सुबहान व तआला खिलाफत की गद्दियां अता करें, यह कुरान मजीद का वादा है। अगर आप हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे तो क्या अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, उनको कहा जा रहा है नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। बनी इसराइल के बारे में कहा जा रहा है सूरह बय्यिनात सूरह नंबर 98 क्या आयत नंबर 3, 4 और 5 के अंदर, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सला, के वो भी नमाज को कायम करो, उनको हुक्म दिया गया था। यानी कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो अपने आप को नबियों की फहरिस्त में दाखिल कर रहा है, अगर कोई नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है तो उसका वो वक्त अल्लाह सुबहान व तआला के नाफरमानों के साथ लिखा जाएगा। दलील भी उसकी, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मुस्नद अहमद बिन हंबल जिल नंबर 2 सफा नंबर 169 में, मुस्नद अहमद बिन हंबल का अक्सर हवाला आप देखते हैं, पुराना हवाला दिया तो सफे का देता है, पेज का नहीं, क्योंकि हदीसों के नंबर उसमें नहीं है। पेज नंबर 169 में के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफज अलैहा कान लहू बुरहानन व नूरन व नजात यौमल क़ियामा, जो कोई इसकी हिफाजत करेगा, जो कोई नमाज की हिफाजत करेगा तो क़यामत में उसको क्या मिलेगा? नूर मिलेगा, रोशनी मिलेगी। क़यामत के दिन अंधेरा अंधेरा रहेगा, अलग अलग मरहल, एक मरहले पर सूरज रहेगा, फिर वो सूरज गायब कर दिया जाएगा, जब पुल पर सिरात पर गुजरने का टाइम आएगा उस वक्त पर अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो जो मुनाफिकीन रहेंगे जिनके पास कोई ईमान थोड़ा रहेगा फिर चला जाएगा, जो कुफार है उनके पास तो रोशनी रहेगी नहीं। मुसलमान होते हुए भी रोशनी से महरूम होना बड़ी बदकिस्मती की बात है उस दिन मुसलमान होते हुए भी रोशनी से, क्योंकि रोशनी रहेगी तो आपको पुल सिरात नजर आएगा, रोशनी है तो आपको हशर के मैदान में चलना आसान हो जाएगा, रोशनी अगर नहीं है तो अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं नूरन, क़यामत के दिन उसको नूर मिलेगा, जो रोशनी मिलेगी, चलने के लिए आपको आसानी रहेगी। क़यामत के दिन हशर के मैदान में अंधेरा छाया हुआ रहेगा, तो उस वक्त पर जो नमाज की पाबंदी करेगा तो उसका ईमान जिंदा रहने के लिए नमाज बहुत अहम पावरफुल चीज है, ईमान से उसको जोड़ा गया। आप जो ईमान कहते हैं कि मेरे पास ईमान है, तो उसको साबित करने के लिए नमाज एक दलील है। अगर ये नमाज रहेगी तो रोशनी आप फैलेगी, वरना इस रोशनी को अगर आप दबा देंगे तो उस ईमान का कुछ फायदा नहीं है। कहा कि नूरन, क़यामत के दिन ये रोशनी बनेगा, वह बुरहानन, दलील बनेगी, अल्लाह के पास कहेगा अल्लाह मेरे पास दलील है, मैं मोमिन था, मैंने अमल से साबित किया था कि मैं मुसलमान नहीं बल्कि मोमिन भी था।
वह नजातन, और यहां तक कि अल्लाह सुब्हान तआला कहेंगे इसको नजात दे दो और जन्नत में दाखिल कर दो। वह मल्लम युहाफिज अलैहा, जो इसकी हिफाजत नहीं करेगा, लम यकुल लहू बुरहानुन, लम यकुल लहू नूरन, उसके लिए ना रोशनी रहेगी, ना उसके लिए दलील रहेगी, ना उसके लिए नजात रहेगी। वह हुआ यकून मा फिरौन व हामान व कारून व उबई इब्न खलफ और कमा कला सलात वसलाम, और जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल नंबर 2 सफा नंबर 169 ऑथेंटिक हदीस, के वो आदमी का जब क्यामत में उठाया जाएगा, हर एक अपने अपने चाहने वालों के साथ उठेगा, जो जिसको चाहेगा, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिसको पसंद करेगा, मतलब जो जिसके तरीके के मुताबिक चलेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम नबियों के साथ उठाए जाए और जन्नत में उनके साथ रहें, तो हमको चाहिए कि नमाजियों की फहरिस्त में पाबंदी से अपना दाखिला कराते रहें, दिन में 5 टाइम अपना दाखिला, रजिस्ट्रेशन होता है, दाखिला कराते रहें, वरना अल्लाह सुबहान व तआला जिस कदर हम दूर होंगे उस कदर वैसे ही लोगों के साथ क़यामत में हमारा हशर करेंगे। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी तशरीह की, फिरौन हुकूमत वाला था, कारून मालदार था, हामान ओहदे वाला था, उबै बिन खलफ तिजारत वाला था। अक्सर लोग जो नमाजों को छोड़ते हैं, ये चार में से एक वजह बन जाती है, अक्सर या तो हुकूमत के नशे में आकर नमाज छोड़ देता है, या तो कोई ओहदा मिलता है, जैसे मिसाल तौर पर खवातीन घर में छोड़ देती है, उनको क्या ओहदा मिला, माँ का ओहदा मिला, बच्चों को संभालने में इतना बिजी रहती हैं, कहते हैं बच्चों की वजह से कपड़े खराब हो जाते हैं, नहीं कई मरतबा ऐसा होता है 10-10 साल तक खवातीन ने नमाज छोड़ दी, नौ दिन, वजह क्या है, बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी है, कह रहे कपड़े पाक नहीं रहते, कह रहे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह हमारे घर में कोई शौहर नहीं है, ना हमारे अंदर कोई बाप है जो अपने बच्चों को कहे कि भाई तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो, उस खातून को इस्तेमाल करते हैं दुनिया के मकसद के लिए, उसको जन्नत में ले जाने की फिक्र नहीं होती। कितना खुदगर्ज है आज का इंसान कि अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसको जन्नत में ले जाने की फिक्र नहीं, कितना खुदगर्ज इंसान। और कितनी बेवकूफ औरत है जो अपने शौहर को यह नहीं कहती कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन तुम मुझे दीन की रहनुमाई क्या दे रहे हो घर के अंदर, क्योंकि दोनों भी चाहते नहीं है जन्नत में जाना, इस वजह से दोनों भी राजी हो चुके अल्लाह की नाफरमानी के। तो अल्लाह ताला, उबई बिन खल्फ क्या था, तिजारत करने वाला था, कोई तिजारत में मसरूफ है, बहुत सारे हमारे भाई कॉल सेंटर में मुख्तलिफ जगहों पर जॉब करते हैं। कई मरतबा जब मैं मदीने से पढ़कर आया था उस वक्त पर अभी मैंने ना MBA किया था ना अभी मैं कहीं पर जॉब करता था, तो अक्सर लोगों से जब कहा जाता भाई नमाज की पाबंदी करो तो लोग कहते थे कि नहीं कॉलेजों में मुश्किल है अरशद भाई, और इसी तरह जॉब की जगह पर नमाज पढ़ना मुश्किल है। तो मैं उस वक्त पर मैं ठान लिया था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं कॉलेज में पढ़ूंगा और वहां पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, देखता हूं कि नौजवान का प्रॉब्लम क्या है, वाकई बहाना है या वाकई कोई रीजन है। और इसी तरीके से IT फील्ड में भी मैं दाखिला लिया और वहां पर भी हाईटेक सिटी में, आप ताज्जुब करेंगे पूरे नॉन मुस्लिम थे, मैं अकेला मुसलमान, ताज्जुब करेंगे आप, जिस वक्त पर मैं नमाज पढ़ता था तो नॉन मुस्लिम एक छोटा एरिया खास कर देते, यहां पर कोई दूसरा आदमी नहीं आना, दूसरे नॉन मुस्लिम कहता आपने बताना यहां पर मदनी नमाज पढ़ेगा, नॉन मुस्लिम जो जगह दे रहे कि अल्लाह सुबहान तआला के पास क़यामत के दिन हम छूट जाएंगे ये कहकर कि पता नहीं गैर मुस्लिम क्या सोचेगा, पता नहीं मेरा बास हो सकता मुझे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि मैं अगर नमाज पढ़ूंगा बॉस से डर रहे अल्लाह से नहीं डरते, अपनी जॉब का डर है जहन्नम का डर नहीं है, कितना हमारा डर भी निकम्मा हो चुका है, कितने लो कैटेगरी का डर हो चुका है हमारा, हम जन्नत छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसी नौकरी हराम है जो आपको नमाज से दूर कर दे, ऐसी पढ़ाई हराम है जो आपको नमाज से दूर कर दे, अगर आपके जॉब के टाइमिंग ऐसे है जो नमाज को टकरा रहे हैं और आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वो जॉब छोड़ना फर्ज, जॉब छोड़ना फर्ज है, हराम है ऐसी जॉब करना, क्योंकि आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी पर जाकर सहन करते हैं कि अल्लाह मैं तुझे नाराज करने के लिए तैयार हूं और मैं यहां पर जॉब करने के लिए तैयार हूं। कितने दिन का जॉब है, और नमाज से मुतालिक बहुत कुछ कहा, कुरान मजीद में 103 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, और इसी तरीके से नमाज छोड़ने पर क्या क्या वईदें आ सकती हैं दुनियावी एतबार से, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं नमाज की अहमियत समझने के लिए। साले अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह ताला ने एक ऊंटनी को वहां पर आजमाइश के तौर पर कहा, पेश किया अल्लाह ताला ने साले अलैहिस्सलाम के जमाने में, यह ऊंटनी है इसको नहीं काटना,
आज तो हम कई ऊटनियां खा लेते भी, काट भी लेते और खा भी लेते, लेकिन यहां पर इस ऊटनी को नहीं काटने के लिए कहा गया। वजह क्या है? वो भी ऊटनी है, ये भी ऊटनी है, लेकिन फर्क यह कि वहां पर अल्लाह सुभान व तआला का हुक्म है। मोमिन के लिए क्या है? ऊटनी अहम नहीं है, अल्लाह सुभान व तआला का हुक्म अहम। इसी तरीके से बनी इसराइल को कहा गया कि वह हफ्ते के दिन मछलियों को शिकार ना करे। आज तो हफ्ते के दिन हम मछलियों को शिकार भी करते हैं, खाते भी। मसला क्या है? यानी अल्लाह सुबहान व तआला का हुक्म था कि मछलियां हफ्ते के दिन शिकार ना की जाए, ऊंटनी को जबा ना किया जाए। मतलब क्या निकला कि अल्लाह सुबहान व तआला के हुक्म की इतनी ज्यादा अहमियत है। लेकिन जब साले सलाम की कौम ने ऊंटनी को काट दिया तो अल्लाह सुबहान व तआला ने उन पर अजाब लाया, जलजले लाए अल्लाह सुबहान व तआला। यानी अल्लाह सुबहान व तआला के हुक्म को ना मानने से पुराने जमाने में, पहले के जमानों में, दुनिया में भी अल्लाह सुबहान व तआला अजाब दे देते थे। और जब मछलियों को उन्होंने हफ्ते के दिन हीला बना बनाकर शिकार करना शुरू किया तो अल्लाह सुबहान व तआला ने उन्हें सुअर और बंदर बना दिया। क्यों? अल्लाह सुबहान व तआला का उन्होंने हुक्म नहीं माना था। आज सेम गलतियां तो हम भी कर रहे हैं, आज सारे मुसलमान। क्या आज दुनिया में लूत अलैहिस्सलाम के कौम जैसी बुराई नहीं हो रही है? हो रही है। लूत अलैहिस्सलाम मर्द बुराई करते थे। क्या आज शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में जैसे नापतोल में कमी होती थी, क्या नहीं हो रही है? हो रही है। और इसी तरीके से आद और समूद के पास जो तकब्बुर था, घमंड था, अल्लाह के बताए हुए तरीकों से दूर होने का जो फैशन बना हुआ था, क्या आज वो फैशन नहीं है? है। उसके बावजूद भी आज दुनिया में अजाब क्यों नहीं मिल रहा है? दरअसल उसकी वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, उसकी वजह से हम बच रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, अल्लाह सुभान व तआला मेरी उम्मत को, उसमें उम्मत गैर मुस्लिम भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, मेरे बाद जो भी आने वाले क़यामत तक, ऐ अल्लाह सुभान व तआला आद और समूद की तरह तबाह ना करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह सुभान व तआला ने कहा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये दुआ कबूल की गई। अगर ये दुआ कबूल नहीं की जाती तो जब बड़े पैमाने पर आज फजर की नमाज में अल्लाह सुभान व तआला के हुक्म को आज हम छोड़ रहे हैं, और कई जगहों पर तो ऐसा होता है कि मस्जिद में इमाम साहब आते हैं, मौजिन साहब आते हैं, दोनों नमाज पढ़ के घरों को चले जाते हैं। और एक आलिम साहब ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, अगर आप ये कहते हो कि ईमान मौजूद है ये एरिया में, ईमान जिंदा है, अगर पता लगाना चाह रहे हो तो उसकी छोटी सी अलामत यह है कि फजर की नमाज के वक्त पर देख लो कि अगर वो एरिया के लोग मस्जिद में आकर मस्जिद को भरी भरी अंदाज में अल्लाह के दरबार में तोहफे की शक्ल में दे रहे हो तो समझ जाओ कि इस एरिया में ईमान जिंदा है, वरना उनका ईमान मुर्दा है। मैं ये नहीं कहता कि ईमान चला गया, लेकिन ईमान बड़ा लो कैटेगरी का मौजूद है। उसे देखा जाए आदो समुद्र की तरह कभी भी तबाह हो जा सकते थे। अल्लाह सुबहान तआला हमें छूट दे रहा है, उसकी नेमतें खाकर रात रात भर गप्पे मारते हैं, नेमतें खाते हैं, भरा पेट लेकर सो जाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी करते। और जैसा शायर ने कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ई हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्ला, के मसाजिद को आबाद वो करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले होते हैं। मुसलमानों ने मस्जिद को आबाद करने का मतलब यह समझा कि बिल्डिंग बना देना, यह समझा। हालांकि मस्जिद को आबाद करने का मतलब यह है कि नमाज, सजदे, रुकू। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके कान में भी शैतान पेशाब करता रहा। सही बुखारी के अंदर तो है कि जो शख्स नमाज को नहीं उठता, अल्लाह सुबहान तआला एक किस्म की सुस्ती उसके अंदर डाल दे। बल्कि हदीस नंबर 1420 इब्ने माजा की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज को पाबंदी से कायम करेगा उसने गोया कि अल्लाह सुबहान तआला के पास एग्रीमेंट करवा लिया जन्नत का, और जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की उसका कोई एग्रीमेंट अल्लाह सुबहान तआला के पास जन्नत का पड़ा हुआ नहीं। अल्लाह सुबहान तआला चाहे तो उसको अजाब भी दे सकते, अल्लाह सुबहान तआला चाहे तो माफ भी कर। नमाज के मसले में थोड़ा सा एक्सट्रीम कैफियत पाई जाती है हमारे पास। एक तरफ एक मरतबा ही नमाज छोड़ दे तो काफिर है, एक फतवा मशहूर है, लेकिन यह फतवा सही नहीं। दूसरी तरफ यह है कि आदमी बिल्कुल नमाज से गाफिल हो जाता है कि अल्लाह माफ करने वाला है, दोनों भी बातें सही नहीं है। पहली बात, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर,
जिसने भी नमाज को छोड़ दिया, एक मरतबा भी नमाज को छोड़ते हुए काफिर हो जाता है, उसको कलमा पढ़ाते हैं। कहते हैं कि अगर मिसाल तौर पर फजर की नमाज में उसने नमाज छोड़ दी तो जोहर में उसको कलमा पढ़ के नमाज पढ़ना है। इस हद तक हिस्ट्री में दम पाया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, सही फतवा नहीं है। लेकिन उसका ईमान कमजोर हो जाता है, यह बात सही है, नमाज अगर छोड़ देता है। इस वजह से कि मन तरका, अरबी जबान में तरका कहते हैं मुकम्मल नमाज छोड़ देने को कहते हैं अरबी, एक मरतबा छोड़ने को अरबी में तरका नहीं कह सकते। तो इस वजह से इस हदीस शरीफ से यह मतलब निकालना कि एक नमाज पढ़ते होने काफिर हो गया, आप ताज्जुब करेंगे, इस हद तक भी एक्सट्रीम में चले गए कि अगर कोई एक वक्त की नमाज छोड़ दिया तो बीवी से कहते हैं तलाक हो जाएगा, दोबारा दोहर के वक्त पर नया निकाह करना पड़ता है। उसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी नमाज छोड़ दिया, समझे अरे मैं तो कई मरतबा कुफर कर दिया, मैं कहा अच्छा हो सकता, एक आदमी के अंदर मायूसी तारी हो जाती। इस हद तक एक्सट्रीम में फतवों की वजह से भी एक इंसान बेअमल और हो जाता, एक्सट्रीम से कभी भी, एक्सट्रीमिज्म से कभी भी फायदा नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इय्याकुम वल गुलू, एक्सट्रीमिज्म से बचो, गुलू करने से बचो, किसी को डराने के लिए इस हद तक आगे मत जाओ कि सामने वाला इस्लाम से ही मायूस हो जाए। कभी भी बैलेंस होना चाहिए, सामने वाला सुनने का कहना चाहिए अच्छा मैं भी नेक बन सकता हूं क्या। जब अल्लाह सुबहान व तआला नन्नन्नो खतल करने वाले को माफ कर सकते, अल्लाह की रहमत की चादर वहां तक पहुंच सकती है। अगर किसी ने नमाजें छोड़ दी है, नमाज में वो बेढंगा हो चुका है, तो जिस वक्त पर मेरी नमाज छोड़ रही है मैं फिरौन जैसे गद्दार के साथ मेरा नाम लिखा जाएगा, हामान जैसे नाफरमान के साथ मेरा नाम लिखा जाएगा, उबै बिन खलब जैसे गुस्ताख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाम लिखा जाएगा, और खारून जैसे सरकश जिसको जमीन में ढंसा गया था। आपको मालूम है ना, फिरौन को समंदर में डुबो दिया गया, हामान और पूरी फौज को समंदर में डुबो दिया गया। खारून का की सजा कई लोगों को मालूम नहीं है, खारून एक मरतबा अच्छे कपड़े पहनकर सिर्फ तन के जा रहा था, उसने कुछ बड़ी बात नहीं की, सिर्फ तनकर जा रहा था। अल्लाह ताला को यह अदा इतनी नापसंद आई, जमीन हटी और उसको निगल ली जमीन, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ सहाबा आज तक भी वो जमीन में ढसता चला जा रहा है, आज तक भी वो ढसता चला जा, ख़यामत तक ढसता चला जाएगा। तसव्वुर कीजिए कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे खारून के साथ हमारा मामला हो जाएगा। अलमरु मा मन हब, एक आदमी को यह सुनने के बाद आता है खबर के अजाब को मैं बेर नहीं कर सकता, इतने बुरे लोगों के साथ मैं हशर के मैदान में ठहर नहीं सकता, ख़यामत के दिन मुझे रोशनी चाहिए, और अल्लाह सुबहान तआला के साथ जन्नत का जो एग्रीमेंट है मेरा नहीं तोड़ता मैं, और इसी तरीके से मैं नाफरमानों के साथ मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, तो उसको चाहिए कि फिर अपने नमाजों की पाबंदी शुरू कर दे। और नमाजों की पाबंदी दिन में अगर आप गौर करेंगे 24 घंटे में मुश्किल से एक घंटा होता है, अगर आप पूरा कैलकुलेट करके दे, कोई बड़ी चीज अल्लाह ताला ने नहीं मांगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जो आदमी आखिरी की सफों में ठहरता है इसी तरीके से जन्नत में भी देर से दाखिल होगा। जो आखिरी सफों में ठहरता मतलब एक देर से आता है, देर से आने वाले की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद कर रहे हैं, जो बिल्कुल नमाज को नहीं आता उसका क्या हशर होगा। जो नमाज को आता है लेकिन सही नहीं पढ़ता, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना मन सलातिहिम साहून, जहन्नम है उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में गफलत बरतते हैं, नमाज कैसा पढ़ना नहीं मालूम। सही बुखारी और सही मुस्लिम में जो तरीका आया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका, उस तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। तो नमाज पढ़ते वक्त पर रियाकारी नहीं होनी चाहिए, नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला को खुश करने के लिए पढ़ना चाहिए, इखलास होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना चाहिए। तो उस नमाज पढ़ने वाले के लिए जहन्नम है जो नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज के अंदर कोताही बरतता है, सही सजदे नहीं करता, सही रुकू नहीं करता, नमाज के तरीके टाइम पर नहीं पढ़ता, टाइम पर अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो ये मुख्तसर सी बातें थी जो नमाज के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता था, और आखिरी का एक जुमला शायद अगर ये भी असर कर जाए तो मैं काफी है, वो कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में मुनाफिक थे कि नहीं थे, मुनाफिक थे, लेकिन किसी भी मुनाफिक से ये साबित नहीं कि वो नमाज छोड़ते थे, यानी उस जमाने के मुनाफिक भी नमाज नहीं छोड़ते थे। और आज हम अपने आप को बख्शे बख्शाए हुए कहने वाले और अपने आप को कुरान और सुन्नत का कहने वाले और आशिकान रसूल, ना जाने क्या क्या लखब हमने अपने आप को दे दिए जन्नत में जाने से पहले, उस जमाने के मुनाफिकीन नमाज को नहीं छोड़ते थे और आज ना जाने कितनी नमाजें छोड़ चुके, उसका खुद हमें तादाद याद दी। अगर ये भी एक पॉइंट इंशाल्लाह असर कर जाए तो काफी है। अल्लाह सुबहान तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहान तआला मुझे और आप सबको नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए, अगर शैतान हमें वसवसे डाले तो अल्लाह सुबहान तआला गैब से हमारी मदद फरमाए, और ना सिर्फ हम नमाज पढ़े बल्कि नमाज का माहौल घर में बना दें, और अपने अतराफ साथियों को और सबको अल्लाह सुबहान तआला हमारे जरिए से नमाज पढ़ने वाला बना दे। आमीन।
لغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا لل